जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB टेक्नीशियन फॉर्म करेक्शन कैसे करें। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आप अपने फॉर्म के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन या फिर कह लीजिए कि एडिट या फिर सुधार कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी अच्छे से दी जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर पहले ये भी जान लें कि इसमें कौन कौन सी जानकारी आप एडिट कर सकते हैं अगर आपसे फॉर्म के अंदर कोई गलती हुई है। पहले आप ये जान लीजिए और फिर आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है। तो गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है और जो भी आपके फॉर्म के अंदर गलती हुई है वो कमेंट करके बताइए जरूर। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा फेस आएगा। यहां पर आने के बाद में आप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी डालिएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आप यहां पर डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अगर गाइज आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बना करके इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आप यहां पर जो इंटरफेस देखेंगे वो तो आपको थोड़ा बताऊंगा ही। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सी जानकारी आप एडिट या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको यहां पर ये बोला है कि डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन की डेट यहां पर 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल 2024 रहेगी। और साथ ही आपको बोला है प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन RRBs कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी कि जब आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, ये मैंने पेज पहले से ओपन करके रखा है ताकि आपको बता पाऊं कि कौन कौन सी जानकारी एडिट नहीं होगी। तो जो जानकारी आपने अकाउंट क्रिएट समय करते समय भरी थी, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आपका फुल नेम यहां पर, इसके अलावा जो आपका नाम आपने कभी बदला है यस नो में, इसका आंसर आपने जो किया था ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। आपका डेट ऑफ बर्थ भी आप यहां पर चेंज नहीं कर सकते। आपका जेंडर भी आप चेंज नहीं कर सकते। आपका फादर नेम, इसके अलावा यहां पर जो आपका मदर नेम है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। आपका आधार वेरिफिकेशन के अंदर जो आपने आधार नंबर भरा था वो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही आप आपका ईमेल एड्रेस और रजिस्टर्ड नंबर चेंज कर पाएंगे। यानी कि जो आपने क्रिएट एन अकाउंट के समय जानकारी भरी थी उसके अंदर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसकी और डिटेल में जानकारी आप यहां पर पेज नंबर 16 पर देख सकते हैं, जिसमें कि 15 पॉइंट में बोला है कि आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ ए कैंडिडेट विशेज टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूजन RRB ही सी में डू सो बाय पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी ₹250 जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी फॉर ईच ओकेजन। यानी कि अगर आप यहां पर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं इन जानकारी के अलावा जो कि मैंने आपको मेंशन की है, तो आपको ₹250 पे करने होंगे। और यहां पर भी इन्होंने बोला है कि डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूजन RRB कैन नॉट बी चेंज्ड। ये आप ₹250 फीस दे करके भी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने यहां पर आपको पहले ही बोल दिया है। और अगर आपने ALP का फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि आप इनमें से कोई भी जानकारी चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज यहां पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहां पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन की एक टैब देखने को मिलेगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में गाइज आपको यहां पर मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको यहां पर एक्टिव दिखेगा। मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है, तो आप यहां पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहां पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जानकारी भरी थी वो आप यहां पर चेंज नहीं कर पा रहे, जिसमें कि आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर नेम है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, फादर नेम है। इसके अलावा जो अन्य जानकारी जिसमें कि आपका मेंटल स्टेटस है, रिलीजन है, और जो फी एग्जामिनेशन के लिए आप यस नो में आंसर करते हैं वो भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन ये भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो आपने भरा था वो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। जो आपकी कम्युनिटी है जैसे कि SC ST जनरल OBC ये सभी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर अगर मान लीजिए आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो गलत हो गई थी तो वो भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। इश्यूंग अथॉरिटी गलत भरी गई थी तो वो भी अभी आप यहां पर सही कर सकते हैं। इश्यूंग स्टेट भी सही कर सकते हैं और डेट ऑफ इशू भी आप
यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जब फॉर्म भरा था उस वक्त आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो नहीं था और आपने यहाँ पर रैंडम जानकारी ऐसे ही भर दी थी, तो अभी आपका सर्टिफिकेट बन करके आ गया है, तो आप यहाँ पर वो सही सर्टिफिकेट नंबर डाल दें, आपकी सिक्योरिटी अथॉरिटी भर दे, डेट ऑफ इशू यहाँ पर अपडेट कर दे। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका आंसर सही कर सकते हैं। अगर आपने जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एस सी एस टी को उसके लिए यस किया है, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आपकी स्टेट हो, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, या फिर आपका एड्रेस, या फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी का नाम, या फिर पिन कोड, चाहे ये जो आपका एड्रेस है वो प्रेजेंट हो या परमानेंट हो, दोनों आप चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे आपको लगे कि सभी जानकारी मैंने चेंज कर दी है, तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी अन्य जानकारी थी जिसमें कि आप देख सकते हैं एक्सर्विसमैन डिटेल या फिर विकलांग की कैटेगरी, इसके अलावा यहाँ पर ईबीसी कैंडिडेट है तो इसका आंसर यस नो में कर सकते हैं, सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है तो यस नो में इसका आंसर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। इसके अलावा करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस की है तो उसका आंसर आप यस नो में कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल जो आपने भरी थी, फीस रिफंड जिसमें होगी, अगर इसमें कोई गलती हो गई थी तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड, सभी जानकारी यहाँ पर चेंजेबल है इनमें से, तो जो भी जानकारी आपको चेंज करनी है वो आप करिए। एंड उसके बाद में सेव करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी है, तो क्वालिफिकेशन की जानकारी भी आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मेट्रिकुलेशन का स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर आपका बोर्ड नेम, डेट ऑफ पासिंग, आपका 10th का रोल नंबर, ये सभी जानकारी चेंज और अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है और उसको भी आप चेंज या फिर मॉडिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका फोटो आपने अपलोड किया था वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए भरा था, तो यहाँ पर मेरे एक डमी फोटो अपलोड मैंने किया है, तो अगर आपसे सही गलत फोटो अपलोड हो गया था तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलूंगा। यहाँ पर गाइज अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो किस रीजन से होगा उसकी जानकारी आपको दी गई है। अगर आपने यहाँ पर सही फोटो अपलोड नहीं किया, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर आपने फुल बॉडी का फोटो डाल दिया है, ओनली साइड व्यू फोटो डाला है, या फिर आपका फेस रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, फोटोकॉपीड फोटोग्राफ, अगर आपने फोटो से फोटो लेकर के अपलोड किया है तो वो भी गलत माना जाएगा, ग्रुप फोटो लिया तो वो भी अपलोड करेंगे वो भी यहां पर गलत हो जाएगा, टाइटल्ड इनवर्टेड इमेज यानी कि अगर आपने टाइटल में कुछ जानकारी कुछ भी लिख दी है वो भी यहां पर उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और सिग्नेचर अगर आपने ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में किया है तो वो भी यहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकता है। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आप यहां पर ये रीजन पढ़ लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर आपका फोटो साइन अपडेट कर देना है। एंड देन फिर आप यहां पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यहां पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करके इस पेमेंट को कर देंगे। जब तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करेंगे ये मॉडिफिकेशन की, तब तक जो चेंजेस आपने किए हैं वो अपडेट नहीं माने जाएंगे, पहले जो आपका था वही इसमें रहेगा और वही आपका फाइनल माना जाएगा, इसलिए आपको फीस पे करनी अनिवार्य है। इस तरह से गाइज आप लोग आप इस फॉर्म के अंदर करेक्शन मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।